हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आईबीएम की सीरीज चल रही है, सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो, यकीन मानिएगा। आईबीएम वालों, आप देर से आया है वीडियोज आपके लिए, लेकिन इतना दिल से कह रहा हूँ कि आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो। यदि आप मेरे सिक्स वीडियो तक भी आ गए हो, मैं नाइन टेंथ पे ये बात बोलता हूँ यूजुअली, लेकिन अगर आप मेरे सिक्स वीडियो तक भी आ गए हो तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब आ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब देखिएगा, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अंतर होता है। जो इंटर लोकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, उसमें पाँच स्टेजेस होती है। पहली होती है स्टार्ट की, फिर होगा कोई प्रोडक्ट का ग्रोथ, फिर सेचुरेशन, फिर डिक्लाइन और कोई प्रोडक्ट एंड हो जाएगा। यानी कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो सेचुरेशन यानी मैच्योरिटी पे आता है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट विद मैक्सिमम मार्केट शेयर, फिर वो प्रोडक्ट एक समय में टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण डिक्लाइन हो जाएगा, फिर एंड हो जाएगा। लाइक टेलीफोन, टेलीफोन क्या हुआ, मार्केट में स्टार्ट हुए, फिर ग्रोथ हुई, धीरे धीरे उनके पीसीओ खुलने लगे, धीरे धीरे मार्केट में आने लगा, सेचुरेशन, हर घर में एक टेलीफोन हो गया था, सब कोई बात करने लग गए थे, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई लोग मोबाइल फोन पे आए और वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होने आ गया और अब एंड होने की कगार पे है टेलीफोन। लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन के कारण अभी भी बीएसएनएल का टेलीफोन जिंदा है। लेकिन वहीं हम आईएच इसके इंटरनेशनल प्रोडक्ट साइकिल की बात करते हैं तो उसमें तीन स्टेजेस बताई गई है, न्यू स्टेजेस, मैच्योर प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप ये थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सा समझोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब न्यू प्रोडक्ट होता है तो वो यूजुअली डेवलप्ड कंट्री के अंदर बनाया जाता है, फिर जैसे ही वो प्रोडक्ट सेचुरेशन की सिचुएशन में आता है ना, सेचुरेशन की सिचुएशन में आता है तो उसको डेवलपिंग कंट्री में लॉन्च कर दिया जाता है और फिर वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाने लगता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा, तीन तरीके की कंट्रीज़ होती हैं ये तो आप सबको पता है, एक तो होती है डेवलप कंट्री, एक होती है डेवलपिंग कंट्री और एक अंडर डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो कंट्रीज़ मतलब डेवलपिंग से भी बुरी हालत में, इसको इतना सा समझ लीजिए। वैसे तो पांच छह तरीके के अलग अलग फिलोसोफर्स ने बताई, लेकिन अपन को तीन ही, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री। अंडर कह सकते हो डेवलपिंग, बिलो डेवलपिंग कंट्रीज़, बस इतने तीन स्टेज। तो कोई भी प्रोडक्ट होगा तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसर्च करी जाती है, डेवलपिंग कंट्री में, तो वहाँ पे लॉन्च होता है। तो यहाँ पे लॉन्च होने के बाद उसकी सेकंड स्टेज के अंदर वो पहुँचेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में और उसकी थर्ड स्टेज में वो पहुँच जाएगा उस कंट्रीज़ के अंदर जो बिलो डेवलपमेंट पे, बस इतनी सी बात याद रखनी है। लेकिन नया प्रोडक्ट आपका डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री में होता है और मैच्योर होने के बाद जब उसके सारे ट्रायड कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, प्रोडक्ट चलने लग जाता है मार्केट में, तो वो मैच्योर्ड हो जाता है प्रोडक्ट, फिर उसको नए मार्केट की खोज करनी होती है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट में मैक्सिमम मार्केट शेयर ले लिया होता है, तो नया मार्केट घुसने के लिए वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं और उसके बाद फिर प्रोडक्ट का रेगुलेशन होने पे वो अदर कंट्रीज़ में अंदर चले जाते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट कहाँ पे इनोवेशन होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, देख लीजिए। उसके बाद मैच्योर होने के बाद वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रमोट कर लोकल प्रोडक्शन टू मीट, अब यहाँ पर उनकी डिमांड भी फुलफिलमेंट हो गई तो अब वो क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ में चले जाते हैं और उसके बाद स्ट्रीमलाइन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अनदर कंट्रीज़ के अंदर वो न्यू डेवलपमेंट करते हैं और उन्हीं के जो अदर वेरियंट होते हैं जो डेवलप कंट्रीज़ में आउटडेटेड हो गए वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर या बिलो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वो रेगुलेट हो जाते हैं। लाइक के अगर अगर कोई ऐसा कहा जाए कि 16 मेगापिक्सल का फ़ोन है ना, 16 मेगापिक्सल का फ़ोन है और उसकी रैम 4 GB है, कितनी है 4 GB है, और चलो 16 भी नहीं, 5 मेगापिक्सल का फ़ोन है और 2 GB रैम है, 4-5 मेगापिक्सल का फ़ोन है 2 GB रैम है, तो अब हमारे क्या एक तरीके से वो फ़ोन आउटडेटेड हो गए, क्योंकि जो उस प्राइस रेंज में मिलते थे उसी प्राइस रेंज में इंडिया में अच्छी बेटर टेक्नोलॉजी, पर वो इंडिया में तो आउटडेटेड हो गए, लेकिन वो कहाँ चल रहे हैं, जो गरीब कंट्रियाँ हैं लाइक जिम्बाब्वे हो गई, अपनी नाइजीरिया हो गई, वहाँ पर वो प्रोडक्ट अभी भी नए जनरेशन में आ गए, लेकिन वो प्रोडक्ट स्टार्ट कहाँ से हुए थे, वो अमेरिका से हुए थे। तो यही तीन चीज़ें अपन को समझनी है, पहला न्यू प्रोडक्ट होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बन जाता है। स्टैंडर्डाइज यानी कि सारे नॉन सॉन्स फुलफिलमेंट कर लेता है, सारे एफ बैट कंप्यूनेशन सब कुछ हो चुका है, अब वो स्ट्रीमलाइन से उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ऐसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेवलपिंग में अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में वो बंद हो गया, अभी भी मोबाइल फोन तो बिक रहे हैं क्योंकि कुछ जनता गरीब यहाँ पे भी है, इसलिए तो डेवलपिंग हो, डेवलप्ड कंट्रीज में भी हो सकता है वो उसकी प्रेजेंस, ऐसा नहीं है, एंटिक पीस में उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की तीन स्टेजेस है, तो न्यू प्रोडक्ट, मैच्योर एंड स्टैंडर्डाइज्ड, तीन याद रखना, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैच्योर एंड स्टैंडर्डाइज्ड, ये प्रोडक्ट के आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के आंसर है।
ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया है, काफ़ी इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा परेशान होने वाला नहीं है। डिटेल वीडियो एक बार और इसकी देख लेना, ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। पार्ट बी के अंदर तो मोस्ट रिपीटेटिव होता है, कभी कभी पार्ट सी में भी दे देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। और ये कंटेम्प्री में भी रहा है, कंटेम्प्री यानी कि इस बार इंटरनल के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला। तो अच्छे से इसको याद करना, मैं पर्सनली असिस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, याद कर लेना यार, है ना। कल एग्जाम है, अब तो आज ही एग्जाम है। जय हिंद, चलो आगे बढ़ते हैं।